एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोजन बनाना स्मूदी, जिसके लिए एक ही बनाना हमने लेके 7 आवर्स के लिए फ्रीजर में स्टोर कर दिया था, फ्रीजर में रख दिया था, जिससे क्या है हमें ऊपर से आइस डालने की जरूरत नहीं है और क्रीमी भी बनती है स्मूदी। ये मैंने 5 to 6 बादाम ले लिए हैं, 3 काजू हैं सॉफ्ट और 1 अखरोट है। 1/4 कप मैंने ये ओट्स लिए हैं, देखिए ये है रोल्ड ओट्स, इनको मैंने रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट। और ये होते हैं दूसरे ओट्स, सिंपल। तो मैं ये यूज नहीं कर रही हूं, मैं ये वाले ओट्स यूज कर रही हूं, रोल्ड ओट्स, ये ज्यादा हेल्दी होते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब हम वेनिला एसेंस यूज करेंगे। ऊपर से हम शुगर या ये यूज नहीं कर रहे हैं, हम डेट्स यूज कर रहे हैं मीठे के लिए। तो हमने सॉफ्ट डेट्स हैं, इनकी ये गुठली जो है वो निकाल ली है और 2 ही हमने लिए हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप पानी लिया है, ये 1/2 कप हमने दही लिया है, 1/2 कप से थोड़ा सा कम है। और दही में बताऊं, मैंने जो घर में जमाया है ना टोंड मिल्क का, वही यूज किया है ताकि स्मूदी जो है हेल्दी रहे। और ये फ्लैक्स सीड्स हैं 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने पम्पकिन सीड्स लिए हैं, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, ये तीनों सीड्स हैं। चिया सीड्स को 1/2 टेबल स्पून को मैंने सोक कर लिया है 10 मिनट्स पहले। और हनी लिया है, ऑप्शनल है, अगर आप मीठा खाते हैं तो आप हनी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में डालेंगे पानी। अगर आप इसको वीगन बनाना चाहते हैं तो आप दही स्किप कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज कर सकते हैं। और कर्ड डाल दी हमने, दही डाल दी, उसके बाद हम ये सारे सीड्स डाल देंगे, इनको भी आप सोक करके ले सकते हैं। उसके बाद हम ये भीगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स, इनको डाल देंगे। बादाम का छिलका उतार के आपको यूज करना है, डेट्स डाल देंगे, ओट्स डाल देंगे और पहले एक बार इनको चलाएंगे। अब हम इसमें फ्रोजन बनाना डालेंगे एक बार चलाने के बाद, और थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे। और अब इसको फिर से ग्राइंड करते हैं। और ये देखिए, ये क्रीमी सी टेक्सचर वाली हमारी स्मूदी जो है वो बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया है। अब हम डालेंगे, मैं ना हनी नहीं डाल रही हूं इसमें, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा है बहुत बहुत मीठी है, क्योंकि केला मीठा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, साथ में इसमें हमने डेट्स डाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा चिया सीड्स हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम चलाएंगे नहीं, सबसे लास्ट में डालना है, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और सर्व करते हैं ये यम्मी सी स्मूदी। ये देखिए, हमने ग्लास में भी नीचे कुछ चिया सीड्स डाल दिए हैं और इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं ये हेल्दी स्मूदी। जितनी थिक आप रखना चाहते हैं उतनी थिक आप रख सकते हैं। ये मेजरमेंट ना परफेक्ट 1 पर्सन के लिए है। आप थिक लेते हैं तो देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाद में चम्मच से आप चला सकते हैं, और थोड़ी इसमें बच भी गई है, ये देखिए। तो बड़ा ग्लास है तो आप ज्यादा ले लें, और छोटा ग्लास है तो आप 2 लोग भी इसको पी सकते हैं, बट अभी मैंने 1 बंदे के हिसाब से बताया है। ऊपर से हम करेंगे चिया सीड से गार्निश। तो देखिए, आप सीड वैसे खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप नहीं खा पाते हैं, टेस्टी नहीं लगते हैं या सोचते हैं कब लें, बट मॉर्निंग में अगर आप ये स्मूदी ले रहे हैं ना सीड्स के साथ, तो नथिंग लाइक इट। अब हम इसको जो बादाम है उससे गार्निश करेंगे। और ये देखिए, जब देखने में इतनी सुंदर लगेगी ना तो आपका मन करेगा अभी उठाएं और पी जाएं। तो ये हमारी हेल्दी स्मूदी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।